वो जो कहानी ये है सर कि जो गाड़ी झोला लेके आए थे वो हिसाब नहीं दे पा रहे सर, ऐसा कि मेरे गरेबान में क्या है ये मेरे सिवाय कोई नहीं जानता है, और मेरे गिरेबान का ये सब खोल के दिखाना और बोल देना देखो मेरे गिरेबान में क्या है, इसके लिए शक्ति लगती है और ये शक्ति इधर लगती है। साफ जब तुम्हारा दिल होता है तब तुम दुनिया को बता देते हो मेरे हाथ में देखो क्या है। दिखा दिया आज पवार साहब ने, दिखा दिया अरविंद केजरीवाल में, अब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है बता दो सच क्या है, सच क्यों छुपा रहे हो? आप अगर राम को मानते हो तो वाल्मीकि की बात मानो। रामायण लिखने के पहले वाल्मीकि ने क्या कहा था उसको भी मानो। सर दूसरा सवाल ऐसा है कि जहां जीएसटी की रेट गिरी थी वही फार्मास्यूटिकल कंपनी के सबसे ज्यादा पेमेंट दिख रहे हैं लिस्ट के अंदर। देखो ऐसा है कि अब जीएसटी का नाम सामने नहीं आया था उस ईडी और सीडी के इसमें, जीएसटी का भी नाम आ रहा है सर, ऐसा है जीएसटी की रेट से सब सच्चाई सामने आ गई, सब सच्चाई सामने आ गई। मैंने मेगा इंजीनियरिंग के बारे में कहा था, इधर ही टनल बन रहा है ये बोरीवली के आसपास, उनको समृद्धि का काम दिया गया था, जिधर बिल जो ब्रिज गिर गया उसमें एक मजदूर मर गया वो मेगा इंजीनियरिंग का ही काम था। मेगा इंजीनियरिंग को काम मिला और दूसरे दिन पैसा जाता है अंदर, इसका मतलब क्या है? मैं तो सुप्रीम कोर्ट से कहता हूँ और कोई वकील से भी कहता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो पैसे का रेलचेल था, जो बॉन्ड्स थे इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, असंवैधानिक थे, तो अगर ये असंवैधानिक थे तो इसका मतलब जमा हुआ किया हुआ पैसा ये भ्रष्टाचार से आया था, और भ्रष्टाचार से आया हुआ पैसा कानूनन जब्त किया जाता है, कॉन्फिस्केट किया जाता है। मैं तो कहूँगा सुप्रीम कोर्ट के आप ऑर्डर निकालो कि जितना भी पैसा आया सब कॉन्फिस्केट कर दो, द होल फंड्स विच हैव कम थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स एंड टेकन अवे बाय वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। आई एम नॉट टेकिंग एनीबडीज नेम, बट एवरी पॉलिटिकल पार्टी हू हैज टेकन इलेक्टोरल बॉन्ड्स एंड टेकन इन द कैश और टेकन इन देयर अकाउंट should be confiscated, and those who have paid it should be inquired why are you given so much of 271 रुपये का उनका टोटल टर्नओवर है और वो 550 करोड़ रुपये जाके देखे थे। ये अंडरकवर कंपनी थी, इसमें कोई बड़ी मछली घुसी होगी और इसीलिए उन्होंने कहा था इसमें गुप्तता रखी जाएगी, हम किसको नहीं बताएंगे। SBI भी बोल रही थी हम किसको नहीं बताएंगे, क्यों? तुमको लोगों के तो लोगों के घर की मालूमात चाहिए रहती है, उनके फोन टैप, ये टैप, वो टैप, वो टैप, उसके पीछे आदमी। जरा कभी वक्त मिले तो गडकरी जी से पूछिए कि तुम्हारे घर में कैमरा किसने लगाया था। बहुत बातें बोल दी जाएगी तो सर आखिरी सवाल, सर फडणवीस ने कहा है कि मैं खुद आया, मैं वापस आया, मेरा वचन मैंने पूरा किया, दो पार्टी खत्म किया गया था, मुझे तो देखो ऐसा है, दो के बारे में अभी कबूल ही दे रहे सर परिवारवाद के बारे में। देखो ऐसा है, परिवारवाद तो मैं उसके बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता के मुँह से ये बाहर आना कि मुझे गर्व है मैंने दो पार्टी तोड़ी, ये अच्छा नहीं है। गणतंत्र के बारे में सोचो तो ये अच्छा नहीं है। आपने कैसी फोड़ी है दुनिया को मालूम है? आप रात को ऐसे आपने आपके आपके घर के ही लोगों ने बताया कि चेहरा झांक के कपड़े बदल के वो जाते थे, इतनी ज़रूरत नहीं होती है राजनीति में, राजनीति सीधे रास्ते से करो ना। मुझे याद है 1995 में जब हमको कम सीट मिली, शरद पवार जी वर्षा में बैठे थे, तब मैं और भुजबल साहब अंदर गए और उनको कहा कि साहब अपने पास अपक्ष है अपन गवर्नमेंट बना सकते, तो शरद पवार जी ने जवाब दिया कि लोगों ने अपने खिलाफ मतदान किया है, अपन अगर आज सरकार बनाएंगे तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, जो लोगों के दिल में है वो होने दो, और तब जाके BJP और इसकी पहली सरकार बनी। ये शरद पवार है, ये लोकशाही मूल्यों का पालन किया जाता है। पार्टी तो उन्होंने भी तोड़ी है लेकिन सत्ता के लिए नहीं तोड़ी है, वो सत्ता में थे तब उन्होंने पार्टी तोड़ी,
और तभी पार्टी तोड़ने का लॉ कानून में नहीं था, और इधर तो बात सामने आ गया ना, 50 करोड़, फिर अभी एक एक आमदार को 1000 करोड़, उसके पीछे 10%, सब सामने आ रहा है ना। करप्शन ही बेस है गवर्नमेंट का, तो उस भ्रष्टाचार ही मूल है किसी गवर्नमेंट के फॉर्मेशन का, भ्रष्टाचार पे ये सरकार खड़ी है। तो क्या कहेंगे आप, महाराष्ट्र जैसे पुरोगामी प्रोग्रेसिव स्टेट में ये हो रहा है, ये बड़े शर्म की बात है। थैंक यू।